सभी को नमस्ते। क्लास शुरू करने से पहले सबसे जो देश योग की स्टैंडर्ड प्रेयर्स है वो प्रेयर करके मैं क्लास शुरू करता हूँ। फर्स्ट प्रेयर, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत्। सेकेंड प्रेयर जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की। थर्ड प्रेयर, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल डू दिस बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और नॉलेज बाय वन ऑफ दीज are more of these, are all of these. Just be. नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं फॉर्मल। मेरा सभी लोगों से यह निवेदन है कि पेन पेपर लेके बैठे, जो भी समझ में आए उसको लिखते जाएं, अधिक से अधिक लिखने की कोशिश करें, और जो भी न समझ में आए आप उसको अपने क्वेरीज भी लिखते रहें। हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, अलग से उसका सेशन कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो इसलिए आप लोग पेन पेपर लेके बैठे और लिखते रहें। ठीक, पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले, सबसे पहले तो हम लोग इंटरनेशनल योग दिवस के बारे में जानेंगे। योग सर्टिफिकेशन बोर्ड YCB क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं IDY पे, इंटरनेशनल डे ऑफ योग। और मेरा एक सभी लोगों से कॉमन निवेदन है, सभी पहले भी मैं हर जगह ही करता रहता हूँ, आप इसको योगा ना पढ़ा करें, इसको आप योग पढ़ें। योगा सही शब्द नहीं है, योग ही सही शब्द है। तो यहाँ से जस्ट में मेरा निवेदन है, जितने लोग प्रैक्टिस कर पाए उतना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम IDY के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल योग डे जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो इसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जाने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने 69th संयुक्त राष्ट्र महासभा 69th UN यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 27 सितंबर 2014 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की
बात पूरी दुनिया के सामने रखी और यह प्रपोजल 11 दिसंबर 2014 को अप्रूव हुआ, जिसमें 21 जून को IDY की तरह स्वीकार कर लिया गया और इस प्रपोजल को 177 टोटल 193 कंट्रीज ने वोट किया, जिसमें से 177 इसके फेवर में रहे। और जो प्रथम योग दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पूरी दुनिया में 21 जून 2015 को मनाया गया। ठीक है, जो विजन क्या था, जो IDY है उसका विजन क्या है यह जान ले। विथ ए विजन टू प्रमोट योगा टीचिंग एज ए योग टीचिंग एज ए कैरियर ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सर्टिफिकेशन ऑफ योग प्रोफेशनल एंड योग इंस्टीट्यूशंस थ्रू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। उस समय जब प्रथम योग दिवस मनाया गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी का या भारत सरकार का यह विजन था कि योग जो टीचिंग है यह इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, लेकिन उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई स्टैंडर्ड सेट करने के लिए नहीं। तब उस समय भारत सरकार ने सोचा कि हम योग के प्रोफेशनल को सर्टिफाई करेंगे और सर्टिफिकेशन जो शुरू हुआ 22 जून 2015। और यह डेट जरूर याद रखें कि 22 जून 2015 से सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार और उस समय जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उनका उनका एक ज्वाइंट वेंचर है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो और उसके अलावा जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं SOCHAM, FICCI, CII, यह तीन जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, CII जो नाम है उसको बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और थर्ड है FICCI। तो ये तीन एसोसिएशन मिलके बना है। थोड़ा सा जस्ट QCII के बारे में जानते हैं। और शुरू में 22 जून 2015 से लेके लगभग जून 2018 तक योग के प्रोफेशनल जो योग के संस्थान हैं उनका सर्टिफिकेशन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्षमा करें QCII के थ्रू होता रहा, लेकिन 2018 में भारत सरकार ने योग सर्टिफिकेशन बोर्ड का गठन किया और जो जून 2018 से शुरू हो गया। तो आज की डेट में जो इंडिया में योग सर्टिफिकेशन, योग के प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन या योग के संस्थानों का सर्टिफिकेशन, यह जो योग सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसके द्वारा ही किया जाता है। और मैं जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में यह अकेला ऐसा संस्थान है जो योग के प्रोफेशनल्स को या इंस्टीट्यूशंस को सर्टिफिकेट उपलब्ध कराता है, जिससे कि एक स्टैंडर्ड सेट हो सके। YCB जिसका नाम है, यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत बनी हुई एक संस्था है, आप ये जान। और YCB काम कैसे करता है, YCB ये चार कमेटियों में बटा हुआ है, उसके अलग अलग अध्यक्ष हैं, इस तरह YCB काम करता है अपना। और कितने तरह के सर्टिफिकेट देता है YCB, इस समय योग प्रोफेशनल को 8 तरह के सर्टिफिकेट उपलब्ध कराता है। सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं, ये संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। वर्तमान में जब हम लोग इस क्लास में बैठे हुए हैं तब उस समय YCB 8 तरह का सर्टिफिकेट दे रहा है। योग वॉलेंटियर, योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर, योग टीचर एंड इवेल्युएटर, योग मास्टर, असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट, योग थेरेपिस्ट एंड असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट एंड योग थेरेपिस्ट, और लास्ट है थेरापेटिक योग कंसल्टेंट। यह टोटल 8 तरह के सर्टिफिकेट जो प्रोफेशनल्स को YCB उपलब्ध कराती है।
ये सब आपसे वैसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एक जनरल जानकारी के लिए जिस संस्थान से हम जुड़ने जा रहे हैं, जहां से हम सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उसके बारे में इतनी चीजें पता होनी चाहिए। और आप लोग जो आप लोगों ने जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया होगा, आप देखें आपका उस आपके उस कोर्स का नाम भी यहाँ पर होना चाहिए। किसी ने योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर के लिए कोई अप्लाई करता है, कोई योग टीचर के लिए करता है, कोई योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करता है, और अभी ठीक है, और इंस्टीट्यूट्स को, ये तो प्रोफेशनल्स की बात हो गई, जो योग के प्रोफेशन में जो लोग हैं उनका सर्टिफिकेशन, लेकिन जो संस्थान है उनका सर्टिफिकेशन चार कैटेगरी में है। वह कैटेगरी कौन कौन से है? लीडिंग योग इंस्टीट्यूशन, योग इंस्टीट्यूशंस, योग ट्रेनिंग सेंटर और योग थेरेपी सेंटर। यह चार तरह का सर्टिफिकेशन संस्थानों को YCV के द्वारा मिलता है। अच्छा साथी, अब हम आगे चलते हैं इस यात्रा में। आयुष, जो आयुष मंत्रालय है, मेरा सभी से निवेदन है कि हम सभी को आयुष का फुल फॉर्म जरूर ही पता होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पर यह लिखा गया है, आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद, ए से वाई से होता है योग एंड नेचुरोपैथी। यहीं पर ध्यान दे रहे, ज्यादातर लोग इसको योग बोल के आगे निकल जाते हैं। तो आयुष, योग एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने इसी का, आयुष मंत्रालय का गठन भारत सरकार ने इसीलिए किया है कि इतनी सारी चीजों को हम एक साथ प्रमोट कर पाए। आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। यूनानी और सिद्धा जो है ये भी ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सिस्टम। यह भी बहुत ही फेमस और पुरानी विधा है बीमारियों के इलाज की। और एक, अगर आप कभी भारत सरकार का कोई भी डॉक्यूमेंट दिखे जहाँ पे योग की बात हो या कॉमन योग प्रोटोकॉल की जो बुकलेट निकलती है, तो देखेंगे तो वहाँ योग का उद्देश्य क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है योग फॉर हार्मोनी एंड पीस। अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो हार्मोनी और शांति दो चीज अचीव होता है, हार्मोनी और पीस। अगर इतना ये दो शब्द याद रखेंगे तब आप समझ जाएंगे, आप योग के बेनिफिट को अगर लिखना शुरू कर देंगे तो आप हजारों बेनिफिट लिख सकते हैं। हार्मोनी और पीस, यह दो शब्द, जहां भी दो चार चीजें हैं उनके बीच हार्मोनी इस्टेब्लिश करना, कोई कॉन्फ्लिक्ट न रहे, ऑल इंक्लूसिव सिस्टम, कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं है। योग वास्तव में ऑल इंक्लूसिव सिस्टम, सबको एक साथ लेकर चलने वाला, सभी के विचारों का सम्मान करने वाला, ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसी जो विद्या है, उसी को योग कहते हैं। और जब कोई विद्या ऑल इंक्लूसिव हो जाए और हार्मोनी स्टेब्लिश कर दे तो शांति आ जाना स्वाभाविक। इसीलिए योग का जो टैगलाइन रखा गया है किसी भी कार्यक्रम का, कॉमन योग प्रोटोकॉल में आप देखेंगे तो हार्मोनी एंड पीस, पहले हार्मोनी फिर पीस। और मेरा सभी से निवेदन है कि जो IDY इंटरनेशनल योग दिवस का जो लोगो है, आप लोग लोगो जरूर एक बार जाके ध्यान से देखें। उसमें कैसे है, एक आदमी बैठा हुआ योग अभ्यास कर रहा है, उसका हाथ ऐसे ऊपर है, पूरी धरती को उन्होंने कवर कर रखा है। तो इंटरनेशनल योग दिवस का यही मतलब है कि हम पूरे देश को, पूरे धरती को योग विद्या से भर दें, चारों तरफ योग का ही प्रचार होना चाहिए, क्योंकि हार्मोनी और पीस तो पूरी दुनिया में चाहिए। इसलिए वो ध्यान से एक बार वो लोगों जरूर देखेगा, और उसमें नीचे देखे कि जो मनुष्य बैठा हुआ है, जो व्यक्ति योग अभ्यास कर रहा है, उसके पेट के आसपास चार पत्तियां, चार एक लीव से चार कह सकते पंखुड़ियां निकली हुई हैं। अगर आप उसको समझें तो वह चार योग के मार्गों का को रिप्रेजेंट कर रहा है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और
वर्क वर्शिप साइकिक कंट्रोल और नॉलेज राज्यों, चौथा वर्क हो गया कर्मयोग, वर्शिप हो गया भक्ति योग, साइकिक कंट्रोल राजयोग एंड नॉलेज मतलब ज्ञान योग। तो उस व्यक्ति जो भी योग अभ्यास करते जो सिंबल है देखे चार पत्तियां निकली हुई हैं उसका भी आप लोग महत्व समझ गए। तो यह जो शुरू के ये 11 पॉइंट्स हैं ये सिर्फ शायद आपसे कभी कोई ना पूछे कभी, लेकिन पूछा भी जा सकता है, ऐसा भी नहीं पूछा जा सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें YCB आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में ये बेसिक जानकारियां होना बहुत जरूरी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम योग को डिफाइन करने की बात करते हैं, योग है क्या, हम उसके डिफिनेशन को समझेंगे। कभी भी आपसे कोई पूछे योग का क्या डिफिनेशन है, मैं एक लाइन बता रहा हूं आप हमेशा अगर ये बोल देंगे तो एकदम परफेक्ट लाइन रहेगा। इसी लाइन को अलग अलग तरह से बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, इसी एक लाइन को आप हमेशा याद रखिए, योग इज डिफाइंड एज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन सटल और स्पिरिचुअल साइंस। बस इतना ही एक लाइन अगर बोल देंगे तो योग की पूरी परिभाषा हो जाएगी। स्पिरिचुअल साइंस, जैसे आप जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दो चीज हमेशा साथ साथ चलती है। साइंस का मतलब होता है कि जहां पे बेस मूल सिद्धांतों की बात हो, और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि उन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके कोई मशीन बना ली जाए, कोई प्रक्रिया बना ली जाए, कुछ भी कर लिया जाए जिससे वो साइंस जो साइंटिफिक रूल है, वो साइंटिफिक रूल जो कहता है उसमें जो बातें कही जा रही हैं उसको हम अनुभव के स्तर पर देखें मशीन से। तो एक मैं बोल रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो जो साइंस होता है वो मूलभूत चीज है, टेक्नोलॉजी उसी साइंस का इस्तेमाल है, उसी टेक्नोलॉजी को आप डिसिप्लिन कह सकते हैं। जैसे अनुभव के लिए कहे, जैसे मैं कहता था इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, ये सब फिजिक्स की ब्रांचेस, जैसे फिजिक्स जो है साइंस है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल करके कोई मशीन बने उसको इंजीनियरिंग कहते हैं, कहते हैं देखो ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। तो एक चीज हमेशा होता है साइंस और दूसरा चीज होता है टेक्नोलॉजी, उसी टेक्नोलॉजी को आप डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है मैं समझाने के लिए आपको बता दें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। तो योग भी ऐसा ही एक साइंस है, योग विज्ञान भी ऐसा ही एक साइंस है, ऐसी ही एक प्रक्रिया है। तो ये डिफिनेशन फिर से ध्यान दें, एक एक चीज और ये अध्यात्म के डोमेन में, योग पूरा चीज अध्यात्म के डोमेन में है, यह मटेरियल के डोमेन में नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी जो नॉर्मल आप जानते हैं मशीन कोई बनी कोई मशीन आप देख सकते हैं, यहाँ चेतना के स्तर पर वही बात हो रही है। तो एक होता है स्पिरिचुअल साइंस या फिलॉसफी जिसको आप कह सकते हैं, या सटल साइंस सूक्ष्म विज्ञान कह सकते हैं, चेतना का विज्ञान, या चेतना का विज्ञान होता है और चेतना के विज्ञान की अलग अलग विधियां भी हैं। अलग अलग विधियां मतलब मान लीजिए उसी चेतना को किसी ने किसी जो ऋषि लोग होते हैं वो उसका अभ्यास करते हैं, उस चेतना खुद ध्यान की अवस्था में बैठ के नई नई विधियां निकालते। तो जो चेतना का विज्ञान अगर कहें हम ये समझें जो भी सांख्य योग, पतंजलि योग दर्शन या अद्वैत द्वैत अद्वैत, यह सब स्पिरिचुअल साइंस कह सकते हैं। तो जो चेतना का विज्ञान होता है उसमें हर विज्ञान की अपनी अलग अलग विधियां, मतलब उसमें क्या, मान ले कोई साइंस है, एक साइंस को आप अभ्यास करते हैं तो क्या अचीव करेंगे, साइंस क्या समझाता है,
यानी हर फिलॉसफी का एक फिलॉसफिकल आइडियल होता है कि यह मैक्सिमम वाला चीज यह अचीव, अगर आप सांख्यिक का अभ्यास करेंगे तो आप यहाँ तक अचीव कर सकते हैं, आप पतंजलि योग दर्शन का अभ्यास करेंगे ये वाला चीज अचीव करेंगे, कोई कहता है हठ योग का अभ्यास करेंगे तो हमारी कुंडलनी जागृत हो जाएगी, हमारे साथ तो कुंडलनी ऊपर चढ़ी जाएगी, ऐसा लोग कहते हैं, कोई कहता है हम चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेंगे, कोई ये कहता है कि हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब कि जो अध्यात्म विज्ञान होता है अलग अलग हो सकता है और हर विज्ञान के अपने अपने आदर्श हो सकते हैं, उस आदर्श को अचीव करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसी को स्पिरिचुअल अनुशासन, उस वहाँ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो वर्ड लिखा है। तो किसी भी स्पिरिचुअल साइंस में, किसी भी अध्यात्म विज्ञान में, किसी भी सूक्ष्म विज्ञान में जो हाईएस्ट आइडियल रखा गया उसको अचीव करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसी को योग कहते हैं। तो मैं ये डिफिनीशन फिर से पढ़ रहा हूं, कोई भी आपसे योग पूछे योग क्या है तो एक लाइन बोलिए, योग इज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन सटल और स्पिरिचुअल साइंस, इतना बोल देंगे योग की परिभाषा एकदम। इसी चीज को मैंने थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है, यह एग्जाम वगैरह में कभी कोई लिखना हो, कोई पूछा तो ये लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा। योग इज डिफाइंड एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन ए सटल और स्पिरिचुअल साइंस टू अचीव फिलोसफिकल आइडियल एज मेंशन्ड इन स्पिरिचुअल साइंस। तो जैसे योग अभ्यास आप करेंगे, कोई स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो आपको क्या होगा, अल्टीमेटली आपको जो उस साइंस में फिलोसफिकल आइडियल है वो अचीव करना है। तो फिर अगली लाइन है कि एज देयर एग्जिस्ट मैनी फिलोसफीज सो देयर आर मैनी योगा ट्रेडिशन। तो जैसे मैं ये कहूँ कि बहुत सारे विद्याएं फिलोसफीज एग्जिस्ट कर रही हैं और हर फिलोसफी के अपने अपने फिलोसफिकल आइडियल है, तो इसी तरह इसी वजह से डिफरेंट योग ट्रेडिशन संभव हैं, कोई कर्मयोग, कोई भक्ति योग, कोई राजयोग, कोई ज्ञान योग, कोई मंत्र योग, कोई लय योग, कोई सहज योग, अलग अलग नाम से आप जानते हैं, हर आदमी अपने अपने योग को एक अलग विधा का नाम देके बैठ जाते हैं। तो जितने फिलोसफीज आएंगी उतने तरह के योग की विधाएं हो सकती हैं। तो मुझे लग रहा है मैं योग आपको अच्छे से समझा पाया हूं कि योग क्या है, कभी कोई आपसे पूछे तो आपको क्या बोलना है। तो अब मैं आगे चलता हूं, किसी भी योग ट्रेडिशन में चाहे आप जो लें, कोई भी स्पिरिचुअल साइंस होगा उसके आपके या सूक्ष्म विज्ञान होगा उसके उसको जो उस सूक्ष्म विज्ञान में जो भी हाईएस्ट फिलोसफिकल मॉडल है उसको हमें अचीव करना है। तो क्या स्टेप्स होते हैं, जो अगला पॉइंट है, टू कॉमन एस्पेक्ट्स। किसी भी योग के विज्ञान में चले जाएंगे चाहे जिस रास्ते से चले जाएं, हमेशा दो चीज होता है। सबसे पहला चीज तो हमें यह है कि जो उस फिलोसफी में सबसे हाईएस्ट आइडियल क्या है वही हमें अचीव करना है, और जो हाईएस्ट आइडियल होता है इसी को उस फिलॉसफी का कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य अचीव करना, मोक्ष प्राप्त कर ले, कहते हैं मोक्ष प्राप्त कर ले। अब उस फिलॉसफी के हिसाब से मोक्ष अलग हो सकता है। अगर आप सपोज करिए कि मैं ये कहूं कि आप हठ योग फॉलो करते, तो हठ योग में मोक्ष का क्या मतलब है, जहां इड़ा और पिंगला नाड़ियां आज्ञा चक्र पे आके मिल जाए। अब लेकिन कोई सांख्योग वाला व्यक्ति है, सांख्योग वाले व्यक्ति के लिए कैवल्य का क्या मतलब होता है कि जब पुरुष और प्रकृति अलग हो जाए। कर्मयोग वाले व्यक्ति के लिए क्या मतलब होता है कि जब वो कर्ता भाव पूरी तरह समाप्त हो जाए।
तो कैवल्य का परिभाषा हर फिलॉसफीज में अलग अलग हो सकता है और उस फिलॉसफी के लिए वही उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो यानी किसी भी योग ट्रेडिशन में दो चीज होता है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हाईएस्ट फिलोसफिकल आइडियल है, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां तक पहुंचने के लिए जो जो चीज आप करेंगे वो उस योग ट्रेडिशन का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहला है, मैं लाइन से पढ़ देता, एवरी योग ट्रेडिशन एम्स टू अचीव इट्स ओन कैवल्यम ऑन फिलोसफिकल आइडियल ऑफ, इनफैक्ट ये वर्ड होना चाहिए ऑफ, ठीक है। दिस इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ योग। सेकेंड है, टू अचीव कैवल्यम एवरी योग ट्रेडिशन आस्क टू इस्टेब्लिश हारमोनी बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और जो आपका शारीरिक और अध्यात्म आस्पेक्ट है उसके बीच हारमोनी होनी चाहिए, और यह हारमोनिक इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रक्रिया बताई जाती है उसमें वास्तव में हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यह सारे वेल बीइंग हमारी होती है, हमारा दिमाग बहुत शांत हो जाता है, यह सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। तो दो जो कोई भी योग ट्रेडिशन है, कोई भी योग विद्या है, संसार में ज्यादातर लोग सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की वजह से उसको अपनाते हैं, यह हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक फायदा देता है, हमारे बीमारियों को हमसे दूर करता है, हमारा दिमाग शांत करता है, यह होता है। तो किस जो प्राइम, लेकिन योग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी यह नहीं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो हमें मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो मुझे लग रहा है मैं इस बात को समझा पाया, किसी भी योग में हमेशा यही दो चीज होता है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब कोई भी योग ट्रेडिशन फेमस हमेशा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की वजह से होता है, प्राइमरी तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कौन कैवल्य प्राप्त कर लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, मुक्ति प्राप्त कर लेना, यह इच्छा बहुत कम लोगों की होती है। ज्यादातर लोग संसार के जो लोग हैं, जो सांसारिक एक्टिविटी में लोग हैं, वो अपने हेल्थ मेरा ठीक रहे, मेरा मानसिक अवस्था ठीक रहे, मेरा समाज में मेरा अच्छा सोशल वेलबींग रहे, मेरा शरीर इस बात के लिए तैयार रहे, बस इतना जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब मैं एक योग की एक और डिफिनेशन, इस पूरी बात को इंक्लूड करते हुए एक और डिफिनेशन योग की बताना। तो आप ये भी जो भी डिफिनेशन है आप कहीं भी बोलना हो तो आप ये बोल देंगे तो परफेक्ट, सामने वाला व्यक्ति यह समझ जाएगा हाँ इनको योग की परिभाषा आती है। सो नेक्स्ट पॉइंट, योग में बी डिफाइंड एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन सटल ऑल स्पिरिचुअल साइंस टू अचीव हारमोनी बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल, देयर बाय गिविंग द एस्पिरेंट कैवल्यम, मुक्ति एंड मोक्ष। यह चीजें योग का अभ्यास, योग क्या है, योग एक आध्यात्मिक विधा है, आध्यात्मिक अनुशासन है, जो एक अध्यात्म के विज्ञान अथवा सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है, जिसका अभ्यास करने से जो साधक है उसके माइंड, बॉडी एंड सोल, उसके मस्तिष्क, शरीर और आत्मा के बीच एक हारमोनी इस्टेब्लिश हो जाती है, और हारमोनी जिसको इस्टेब्लिश हो जाए ऐसे ही व्यक्ति को कहा जाता है कि ये तो कैवल्य को प्राप्त हो गए, मुक्ति मुक्त हो गए, मोक्ष हो गए, मोक्ष मिल गया। तो इस तरह मुझे लग रहा है कि मैं योग की परिभाषा बता पाया, और हमेशा ये याद रखें, ये तीसरी वाली परिभाषा थोड़ा सा ऑल इंक्लूसिव है कि योग क्या होता है और उसको अभ्यास करने से क्या अचीव होता है और फाइनल टारगेट, तीनों चीज इसमें आ गया। तो ये परिभाषा आप लोग ध्यान रखें, कभी भी आपसे आज के बाद कोई पूछे योग क्या है तो एक लाइन पहले बोल दीजिए, योग इज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन सटल और स्पिरिचुअल साइंस, इतना ही पर्याप्त है। लेकिन और अगर डिटेल करना हो तो योग इज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन सटल साइंस और ए स्पिरिचुअल साइंस फॉर अचीविंग
हार्मोनी बिटवीन बॉडी माइंड एंड सोल देयर बाई गिविंग द एस्पिरेंट कैवल्यम मुक्ति या मोक्ष। ठीक है, तो ये कैवल्य मुक्ति या मोक्ष हर स्पिरिचुअल साइंस में अलग अलग हो सकता है। अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, कोई आपसे पूछे चाहे एग्जाम्पल बताइए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल साइंस का एग्जाम्पल बताए, तो हमेशा दो, बहुत सारे एग्जाम्पल है बहुत, लेकिन यहाँ दो लिखा हुआ है, दो ध्यान में रखें। सांख्योग, जैसे सांख्योग वास्तव में थ्योरेटिकल साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, लेकिन सांख्योग का अभ्यास, उसमें जो फिलॉसफी बताई गई है कि पुरुष और प्रकृति दोनों अलग हो जाए, पुरुष अपने आप को प्रकृति से अलग समझे, वह अचीव करने के लिए जो विद्या है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, वो पतंजलि जी का राजयोग है। तो पतंजलि योग दर्शन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है और स्पिरिचुअल साइंस उसका क्या है, सांख्य योग। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं शैव योग, आपने इस नाम सुना होगा, शैव योग जो है यह स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, वो किस पे बेस्ड है, शैव सिद्धांत, जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, साइंस है, वह है शैव सिद्धांत। यह दो एग्जाम्पल है ऊपर की परिभाषा को समझाने के लिए, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल साइंस दोनों क्या क्या। अच्छा, अब आते हैं इटिमोलॉजी ऑफ योग। इटिमोलॉजी जो शब्द का मतलब होता है, वास्तव में ये शब्द विज्ञान कह सकते हैं, योग जो शब्द है यह कहाँ से आया है, क्या करता है, हम इसकी बात करेंगे। तो योग जो शब्द है यह संस्कृत में एक वर्ड है युज, युज से ही योग बना है। इसका क्या मतलब होता है, यूनियन और मतलब टू यूनाइट और टू योग, दो चीजों का योग हो जाए, यूनियन बन जाए, या एक चीज दूसरे पे जाके फिट बैठ जाए, हार्मोनी स्टेब्लिश हो जाए, इस चीज के लिए योग संस्कृत में जो शब्द है युज, उसी से योग निकला हुआ है। तो अब जैसे क्या चीज यूनाइट हो जाए, क्या चीज योग हो जाए, उसके लिए यहाँ लिखा गया योग इज देयर फॉर टेक्नोलॉजी टू अचीव। पहला चीज है कि यहाँ से यूज मतलब यूनाइट किस चीज का, हमारा जो मेंटल फिजिकल वाइटल साइकोलॉजिकल साइकिक सोशल और स्पिरिचुअल, ये जितने डोमेन हैं ये सारे आपस में यूनाइट हो जाएं तो भी योग कहा जाता है। दूसरा, जो हमारी ज्योमेट्री है, मेरा शरीर है, जैसे मेरा शरीर दिख रहा है और एक पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, अगर मेरा शरीर इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाए, एलाइन हो जाए, मेरे शरीर की हर एक्टिविटी ब्रह्मांड के लिए ही रहे, पूरे कायनात का भला सोचें, तब यानी कि मैं यूनाइट हो गया, मैं ब्रह्मांड से मिक्स हो गया, यह योग का ऑब्जेक्टिव है। थर्ड जो है यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्सियसनेस विद यूनिवर्सल एंड सुप्रीम कॉन्सियसनेस, यह भी समझ सकते हैं। तो यह तीन चीजें आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल ज्योमेट्री कॉस्मिक में चली जाए, मेरा इंडिविजुअल कॉन्सियसनेस कॉस्मिक या यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस में चला जाए, और जो मेरी पांच लेयर हैं, जो और भी लेयर जैसे अलग अलग नाम से, लेकिन अदरवाइज जैसे हम लोग अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, वह पांचों लेयर जब एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, यूनाइट हो जाए, तब उसको योग कह सकते हैं कि हम ऐसा अचीव करें। तो युज शब्द का मतलब यही है। पाणिनी एक नाम है जो लोग जानते हैं, संस्कृत में व्याकरण लिखने का काम महर्षि पाणिनी जी ने किया है। पाणिनी जी की एक धातुपट एक कोई पुस्तक होगी, इसकी मेरी जानकारी नहीं है इतना, उसमें भी योग को तीन रूट्स मेंशन किए गए हैं। तो इटिमोलॉजी चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं शब्द विज्ञान, तो योग का जैसे क्या है, युज समाधौ योग, कोई आपसे अगर ये तीन शब्द याद रखेंगे तब भी आप योग को देखे, तीन तरह की डिफिनेशन और बन जाते हैं। युज समाधौ, जब पुरुष और प्रकृति आपस में अलग अलग हो जाए, तब कहा जाता है कि योग हो गया। यह पतंजलि योग दर्शन का यही
मूल मंत्र, सेपरेशन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। तो योग शब्द को युज समाधव से भी आप समझ सकते हैं, ये पाणिनी जी ने लिखा। फिर दूसरा है युजिर योगे मतलब कि अब इसमें क्या है, देखिए समाधव जो पतंजलि जी का सिस्टम है सेपरेशन की बात करता है, यानी पुरुष और प्रकृति अलग हो जाएं, वहां अलग होंगे। युजिर योगे दूसरा वाला है, ये हठ योग का सिस्टम। यह क्या कर रहा है, ये अलग होने की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कुंडलिनी और परमात्मा का विलन हो जाए। जो आगे जब मैं क्लासेस बताऊंगा, इड़ा पिंगला और कुंडलिनी तीन चीजें हैं, तीनों का जब एक साथ आज्ञा चक्र पे मिलन हो जाए तब उसको कहते हैं कि युजिर योगे, दो चीज तीन चीजों का योग हो गया, जुड़ गए आपस में। ठीक है, तो मुझे लग रहा मैं समझा पा रहा हूँ। तीसरा जो है, इन सब की डिटेल में भी आगे बहुत चर्चा होगी। तीसरा है युज संयम ने या अद्वैतवाद, जो अद्वैत अद्वैत सिस्टम यहाँ लिख लेते हैं, तो लग रहा है जो अद्वैत सिस्टम है, अद्वैत सिस्टम यह कहता है कि आत्मा इज द ओनली एलिमेंट, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे लैपटॉप मोबाइल, यह सब कुछ आत्मा का ही परिवर्तित रूप है। तो अगर आप योग अभ्यास करके अद्वैत सिस्टम में जो कहते हैं आत्मा, अगर आप देख लिए, आत्मा से जुड़ गए, तो उसको कहते हैं युज संयम ने। तो देखिए ऊपर जो वर्ड है, मैं बोला द टर्म योगा है, योग है, सॉरी द टर्म योग है ओरिजिन इन संस्कृत वर्ड युज। तो युज से, युज को पाणिनि जी ने तीन तरह से बताया, युज समाधव, युजिर योगे, युज संयम ने। तो एक में हो गया पतंजलि जी का सिस्टम, एक हठ योग का सिस्टम, अद्वैत सिस्टम, ऐसा पाणिनि जी ने कहा। तो ये इटिमोलॉजी ऑफ योग, मुझे लग रहा है मैं शब्द विज्ञान बता पाया कि इटिमोलॉजी ऑफ योग क्या है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इसको लिख रहे होंगे, मैं बहुत धीरे धीरे ही चल रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ जिससे आपको लिखने का भी पर्याप्त समय मिल जाए। तो देखिए दूसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, अब मैं और आगे चलता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, योग को लेके समाज में कुछ मिसकंसेप्शन चल रहे हैं, गलत धारणा बनी हुई है, वह मिसकंसेप्शन क्या है यह जान। ज्यादातर लोग योग कहते हैं हम सुबह उठ के योग अभ्यास करते हैं, बस मैं योग करता हूं, मैं ध्यान लगाता हूं, वो बस बेसिकली क्या है कि योग को फिजिकल ही लेते हैं। योग कोई फिजिकल चीज नहीं है, जो आप फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं, कोई भी जो आप अभ्यास कर रहे हैं, देश योग में इसको विवेक क्रिया कहते हैं, कुछ लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, कोई कपालभाति का अभ्यास करते हैं, कुछ ढेर सारा, जो भी ये फिजिकल लेवल पे ये कर रहे हैं, यह वास्तव में यह योग नहीं है, बल्कि यह आपको आगे की अवस्था में ले चलने के लिए तैयारी मात्र है। तो योग को सिर्फ फिजिकल न समझें। बहुत लोग बोलते हैं मैं रोज एक घंटे योग करता हूं, फिर बोलेंगे मैं ध्यान करता हूं, दोनों तो एक ही चीज हुआ, ध्यान भी योग है, ये भी ध्यान है, लेकिन उसको तो कहते हैं फिजिकल वाले कहेंगे मैं योग करता हूँ, फिर ध्यान को अलग कर देते हैं। तो जो फिजिकल लेवल पे आप जो एक्टिविटी करते हैं, यह वास्तव में प्रिपरेटरी स्टेज है, आपको आगे की विधा के लिए तैयार। तो पहला जो योग का मिसकंसेप्शन है, योग कोई शारीरिक चीज नहीं है, जो शारीरिक अभ्यास करते हैं यह तो आगे ले जाने के लिए। दूसरा जो है एक जो मिसकंसेप्शन है, ज्यादातर लोग यो समझते हैं बस योग करो फिट रहो हेल्दी रहो, बस योग फिट और हेल्दी रहने के लिए नहीं है, योग का असली उद्देश्य तो आपको मुक्त करना है। कभी भी योग का टारगेट या आपसे कोई पूछे क्या उद्देश्य है, तो योग का जो टारगेट है मुक्त होना, कैवल्य को अचीव करना। उस प्रोसेस में, कैवल्य को अचीव करने के प्रोसेस में आप बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे आपका वेलबींग होता है, हेल्दी लाइफ मिलता है,
यह सब योग का बाई प्रोडक्ट है, यह मुख्य प्रोडक्ट नहीं है। तो ये योग का मिसकंसेप्शन के लिए ये बात याद रखें कि जब तक आपको कैवल्य नहीं मिलता है तब तक आप योग का सही बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। तीसरा जो है जो योग का मिसकंसेप्शन जनरली एक ये है कि योग का मतलब हिंदू रिलीजन, किसी एक धर्म से ज्यादातर लोग जोड़ लेते हैं। योग किसी एक धर्म की बात नहीं करता, न किसी एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है। योग यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे तो योग अभ्यास तो हर व्यक्ति कर रहा है और करता रहता है। कोई यह नहीं कि अभी अभी क्या कहते हैं योग अभ्यास शुरू हुआ है या हिंदुज्म से आया है, इस्लाम से आया, ऐसा नहीं। अलग अलग नाम से लोग कर रहे हैं, जानते थे, यूनिवर्सल नेचर का है। योग तो तब से शुरू हुआ है जब से ये धर्म वगैरह थे ही नहीं, तब से योग अभ्यास चल रहा है। तो इसीलिए यह दिमाग से निकालने की योग किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई विद्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, फिर अगला जो है एक मिसकंसेप्शन है, हालांकि इसमें ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ लोग इसको गलत भी मान सकते हैं, तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। चौथा लेते हैं, चौथा पॉइंट है योग कहा जाता है कि योग को इंडियन ओरिजिन मानते हैं, कहते हैं कि योग भारतीय ओरिजिन का है, ऐसा नहीं है। यह मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपके ऊपर पूरी तरह से छोड़ रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं। योग तो तब से चल रहा है जब से मानव सभ्यता, जब से जीवन आया है, मानव भी न कहें इवन और कोई जानवर भी, जो भी आप जो भी तरह का जीव है, हर जीव अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करता है, कर रहा है। हर सभ्यता अपने आप को इवॉल्व करने मतलब अपने से बाहर क्या है वो देखने की कोशिश कर रही है। तो जब भी आप एक्सपेंशन की बात करें, अपने अपनी चेतना को बढ़ाएं, इसी को तो योग कहते हैं। अब मैं ये कैसे कह दूं कि योग सिर्फ इंडिया में है, ऐसा नहीं। योग जब से मानव जीवन शुरू हुआ है या जब से जीव शुरू हुआ है तब से योग चल रहा है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि पहला जीव भारत में ही बना, ठीक है। इसलिए मैं ये पॉइंट लिखता हूँ, आप चाहें तो इसको डिनाई भी करें, जो आपकी इच्छा हो, मैं ये नहीं कह, क्योंकि तमाम योग टेक्स्ट में ये बात लिखी है कि योग इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे नहीं लिखा हुआ, मैं यही मानता हूँ, लेकिन ये भी हर जगह लिखा हुआ है कि योग जो है डाउन सिंध जब से मानव जीवन शुरू हुआ तब से। तो इसलिए जब मानव जीवन तो पता नहीं कहाँ शुरू हुआ है, तो हम कैसे ये कहें कि भारत में है। लेकिन यह बात सत्य है कि योग ने अपनी पीक क्लाइमेक्स ऑफ द सीन इंडिया में ही अचीव हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। योग ने अपनी उच्चतम अवस्था शिखर, यहाँ जो कहिए कि हाईएस्ट लेवल का कैवल्यम, जो अपने आप को जो लिबरेट कर पाए, जो एक्सपेंड कर पाए, यह भारत में ही संभव हुआ है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि, पूरा ब्रह्मांड मैं खुद हूँ और दूसरा कुछ नहीं है, पूरा चारों तरफ मेरे अलावा कहीं कुछ नहीं। यह योग के मिसकंसेप्शंस हैं, चार पॉइंट हैं, आप और भी बढ़ा सकते हैं आपको लगता है, ये मैंने जो पढ़ा समझा मैं अपने हिसाब से लिखा। पहला कि योग सिर्फ फिजिकल नहीं है, दूसरा योग सिर्फ शारीरिक मानसिक और सिर्फ फायदा देने के लिए है, इतना ही योग नहीं है। तीसरा, योग किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। और चौथा, योग सिर्फ भारत से जुड़ा नहीं है, हर जगह इसका अभ्यास किसी न किसी रूप में करते रहे। हो सकता है भारत में इसको योग बोल दिया गया, बाकी जगह इसको कुछ बोल दिया गया हो, लेकिन अभ्यास तो सभी लोग करते हैं। एक व्यक्ति जब सुबह उठ के दौड़ लगाता है तो वह भी योग ही कर रहा है, लेकिन फिजिकल लेवल पे है। तो जो जिम जाता है तो वो भी योग कर रहा है, लेकिन फिजिकल लेवल पे करने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह वो योग को समझ नहीं रहा। तो योग बहुत बड़ी विद्या है। तो मुझे लग रहा है मिसकंसेप्शन ऑफ योग मैं बता,
या चार तरह के मिसकंसेप्शन, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं जो आपको ठीक लगे। मुझे फंडामेंटल्स ऑफ योग साधना, जो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और किसी भी योग साधना में आप चाहे कर्म योग करें, भक्ति योग करें, ज्ञान योग करें, राज योग करें, इसका फंडामेंटल कैसे डिसाइड होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, इवन मैं इस चीज के लिए तो मैं किसी भी जीव को भी कहता हूं, हाथी घोड़ा बिल्ली वो सब भी ऐसे ही, किसी भी जीव में चार चीजें होती हैं, बॉडी माइंड इमोशन और एनर्जी। हम सभी लोग इन्हीं चार चीजों के मिक्सचर हैं, सुटेबल कर सकते हैं। आपका हो सकता है किसी का बॉडी बहुत मजबूत है, किसी का बहुत एकदम पतला दुबला है, किसी का दिमाग बहुत तेज है, कोई बहुत इमोशनल है, तो हम सभी लोग इन चारों चीजों के कॉम्बिनेशन हैं, बॉडी माइंड इमोशन और एनर्जी। और हर व्यक्ति का जब कंपोजिशन अलग तो कुछ योग विद्याएं हैं जो सिर्फ माइंड पे काम करती हैं, सिर्फ बॉडी पे काम करती हैं, कुछ सिर्फ इमोशनल लेवल पे हैं, कुछ एनर्जी पे काम करती हैं। तो मेनली कोई योग ट्रेडिशन, चूंकि हमारा शरीर इन चार चीजों से बना है, तो चार डिफरेंट टाइप के आप योग कह सकते हैं। तो जो सिर्फ शरीर पे काम करे, बॉडी पे काम करे, जो उसको कर्म योग करते हैं, ठीक है, इस शरीर से जो काम करना आप चाहें, जो हमारा जो योग विद्या विज्ञान जो माइंड पे काम करता है उसको ज्ञान योग कहते हैं, ठीक है। चार विधाएं, जो कि हम इन चारों चीजों के मिक्सचर हैं, तो इस तरह चार मुख्य विद्याएं हैं। स्वामी जी के जो प्रेयर अगर आप देखें क्या कहते हैं, डू दिस बाय वर्क वर्शिप साइकिक कंट्रोल और नॉलेज, चार चीज बोलते हैं, वही चारों चीज यहाँ है। तो जो लोग शारीरिक रूप से शरीर को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, वो लोग वास्तव में कर्मयोगी होते हैं, वो इस शरीर से चाह रहे हैं कि मेरा जो विज्ञान है इस शरीर के स्तर पर काम। जो लोग माइंड के स्तर पर जब काम करते हैं उसको ज्ञान योग कहते हैं। कुछ लोग इमोशनल बहुत होते हैं, वो लोग भक्ति योग के रास्ते पे उनको जाना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करें, भजन गाएं, वो सब चीजें, समर्पण करें, परफेक्ट समर्पण, जो सरेंडर, परफेक्ट सरेंडर जो होता है वो भक्ति योग होता है। और तीसरा है क्रिया योग, क्रिया योग मतलब जो एनर्जी के लेवल पे काम करे। तो इस तरह चार तरह के योग हो गए, और हम सभी लोग इन्हीं चारों के मिक्सचर हैं। तो अब हम सभी लोगों को भी कैवल्य प्राप्त करना है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हम कर्म योग करें, भक्ति, कुछ, तो हमें सुटेबल कॉम्बिनेशन, हम सभी लोग इन्हीं चारों से मिलकर बने हुए हैं। तो हमें कोई ये कहने में सिर्फ कर्म योग करता हूं, मैं तो ज्ञान योग करता ही नहीं, मैं भक्ति योग करता हूं, ऐसा बहुत ही रेयर होगा। ये जरूर होता किसी में कर्मयोग ज्यादा होगा, किसी में भक्ति योग ज्यादा होगा, लेकिन चाहिए हमें सब कुछ। तो इसीलिए यहीं पर गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु जो फंडामेंटल योग साधना कि भाई हम इन चारों चीजों, हमारा शरीर इन चारों चीजों से मिलकर बना है, और इसमें से आप अपने देखें, मेरी पर्सनालिटी में ज्ञान भाव की अधिकता है, तो ज्ञान भाव की अधिकता, इसका मतलब आपको क्या कहते हैं, सांख्य योग या ज्ञान योग का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन क्या कर्म योग नहीं करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो यह काम होता है गुरु का। जब आप किसी गुरु के समक्ष जाते हैं, गुरु के अंदर ये क्षमता होती है, जो गुरु कभी गुरु शब्द को मैं डिटेल बताऊं, गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला, गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश, यही शब्द है गुरु। तो जब आप सही गुरु के सामने जाते हैं, गुरु आपको देखते ही समझ जाते हैं कि इनके अंदर कर्मयोग का कितना पॉइंट है, ज्ञान योग का कितना परसेंटेज है, भक्ति योग कितना है और क्रिया योग कितना है। तो वो आपको ऐसी प्रैक्टिस बताएंगे कि चारों का कॉम्बिनेशन आप में हो जाए, तो आपको देखकर आपका पूरी केमिस्ट्री वो समझ जाते हैं और उसी तरह से आपको योग अभ्यास सजेस्ट करते हैं। देश योग में भी जब जब जुड़े रहते हैं लोग, कभी कभी आते हैं तो कुछ लोग बोला जाता है चलिए आप ये करिए,
कुछ लोगों को तो बोला था आप भजन करिए, कोई गीत ही गाते रहते हैं, ऐसे अलग अलग लोग हैं। कुछ लोगों को सजेस्ट किया था नहीं आप मेडिटेशन खूब करिए। इसीलिए होता है कि उनकी पर्सनालिटी का बिल्डअप क्या है, कैसे लोग हैं, कि तमाम लोग किसी के नाम से ही हम लोग समझ जाते हैं इनका ये नाम है तो इनको ये करना चाहिए। नाम बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। तो जब आप सही व्यक्ति के सामने जब पहुंचेंगे तो वह व्यक्ति आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन समझ जाते हैं, इनकी ये केमिस्ट्री है। यही योग साधना का फंडामेंटल है। तमाम लोग ऐसे होते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योग साधना में गुरु बहुत जरूरी है। सिर्फ आप किताब पढ़ के योग कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपना कॉम्बिनेशन आप जानते ही नहीं पूरी तरह से, मेरे कितना परसेंट मेरे पे मेरे अंदर इमोशनल हूँ कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, बहुत ही एक्टिव हूँ, बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, यह चार चीजें जरूरी। तो इसलिए योग साधना में गुरु का महत्व है एकदम। देखिए तीन पॉइंट है, ये फंडामेंटल सा योग साधना है। जब भी योग साधना करें गुरु होना बहुत जरूरी है, जो आपको सही गाइड करे। कभी आप देखेंगे एक ही चीज का देश योग में ऐसे भी देखे, कभी कभी आप देखें एक ही प्रश्न मुझसे 10 लोग पूछते हैं और मैं 10ों को कभी कभी अलग आंसर देता हूँ, किसी कुछ बोलता हूँ किसी कुछ बोलता हूँ, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का वो स्ट्रक्चर देख के सामने वाला व्यक्ति कैसा है उसको उसी हिसाब से जवाब दिया जाता है। क्योंकि स्ट्रक्चर केमिस्ट्री जैसे होता है, केमिस्ट्री अलग अलग हो, तो ये किसी भी योग साधना का फंडामेंटल है। अब हम योग की हिस्ट्री पर चलते हैं। योग का हिस्ट्री क्या कहता है, योग विज्ञान कहाँ से आया है। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पॉइंट्स बताने चल रहा हूँ इसको आप ध्यान से आप लिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। पहला जो है हिस्ट्री ऑफ योग, योग जो ट्रेडिशन है यह कहाँ से आया। जब पहला पॉइंट मैंने बताया, जैसे ही जीव मानव जीवन आया, मानव जीवन आते ही हमेशा ही यह पहली कोशिश होती है कि हम अधिक से अधिक, जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री वगैरह पढ़ा है इतिहास में कि पहले मानव आया, जब बारिश हुई तो ऊपर देखता था ऊपर कौन करा रहा है बारिश, ऊपर बारिश कौन करा रहा है, कौन आंधी लेकर आता है, कौन सूरज को निकालता है। यह जो इंक्वायरी होती है जब अपनी चेतना को आप आगे लेकर चलते हैं, इसी को ही तो योग कहते हैं। अपने आप को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने आप को लिबरेट कर रहे हैं, तो जो एक्सपेंशन होता है वह योग ही है वास्तव में, जब आप कुछ और सोचते हैं। यह जो विद्या है यह तो तब आई है जब कोई धर्म ही नहीं होगा, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं था। तो यही पहला पॉइंट है, योग जो है तब से आया है जब से मानव सभ्यता या मानव जीवन ने इंक्वायरी शुरू की है। योग ट्रेडिशन हैव देयर ओरिजिन पैरेलल टू डॉन ऑफ सिविलाइजेशन व्हेन ह्यूमन माइंड थॉट ऑफ इनिशियल स्पिरिचुअल इंक्वायरीज मच बिफोर रिलीजन्स और बिलीफ सिस्टम्स टू प्लेस। तो ये धर्म वगैरह जो भी आप धर्म जानते हैं, आप जिस धर्म को बिलोंग करते हैं, आपके धर्म से आगे पहले ही योग आ चुका था। फिर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज मैंने लिखा, ऑलमोस्ट आज से करीब 10,000 पहले, कहा जाता है 10,000 साल पहले तंत्र सिविलाइजेशन, जिसको आप तंत्र मंत्र कहते हैं, एक तंत्र सिविलाइजेशन है। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा शास्त्रों में मैंने पढ़ा हुआ है। तंत्र सिविलाइजेशन आज से 10,000 साल पहले एग्जिस्ट करता था, और इंडिया में नहीं था, बाहर भी सब जगह था। और तंत्र सिविलाइजेशन के बारे में जो बातें बताई जाती हैं, जो लिखी शास्त्रों में, वहाँ लोग ऐसे जैसे जिसको आज हम लोग योग समझते हैं ना, आज से 10,000 साल पहले भी ये सब अभ्यास में था। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह अभी आया है, योग पुरानी विद्या है। लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस कहाँ मिले हैं यह जानना महत्वपूर्ण है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वहां पर खुदाई में बहुत सारी चीजें मिली। तो यह प्रश्न कोई आपसे पूछ सकता है कि योग का बताओ कहाँ पे कोई खुदाई में कोई चीज, सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला हिस्टोरिकल,
बाकी चीज तो सिर्फ शब्द में है, अब तंत्र सिविलाइजेशन कहाँ था, ऊपर वाले दो पॉइंट, लेकिन जो सही में खुदाई में जो चीजें मिली हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कुछ सील मिले हैं, सील मतलब मोहरे, स्टैंप जिसको बोलते हैं, वह स्टैंप में यह दिखाए, कुछ देवताओं की इमेज दिखाई है, कोई बैठ के योग अभ्यास कर रहा है, तो वो अलग अलग आसन में वहां मुद्राएं मिली हैं, और वो उनका जो एज निकाला गया है वो 2700 BC, मतलब जो क्रिश्चियन एरा है ईसा मसीह के आने से भी लगभग 2700 साल पहले। तो यानी अभी जो चल रहा है, अगर अभी के पीरियड को हम उसमें जोड़ दें तो यानी तकरीबन 5000 साल पुराना हम कह सकते हैं कि योग जो है तकरीबन 5000 साल पुराना। तो ये हिस्टोरिकल, ये एविडेंस उपलब्ध है जिसमें कह सकते हैं। और फिर आगे चलते हैं, चूंकि योग केमिस्ट्री बात है, अगला जो एक पॉइंट है, मैंने बताया कि योग अभ्यास जो है तंत्र सिविलाइजेशन यानी जो 10000 साल पुराना है वहां पर भी यह उपलब्ध था। तो तंत्र सिविलाइजेशन में, तांत्रिक ट्रेडिशन में दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, एक है तनुति और एक है त्रयति। यह नाम कभी लिख लें आपसे, ठीक है, इसको लिख लें कि तंत्र ट्रेडिशन के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं तनुति एंड त्रयति। तनुति का मतलब होता है दोनों का आप कह सकते हैं, विच मीन्स एक्सपेंशन एंड लिबरेशन, अपने आप को फैलाओ और मुक्त कर लो। तो तंत्र जो तंत्रा सिस्टम है, ये हिस्ट्री चूंकि हम डिस्कस करते हैं, तंत्र डिस्कस, जो तंत्र मंत्र जिसको आप लोग आज कहते हैं, वही तंत्र सिस्टम में बेसिक क्या था कि हर मनुष्य को पहले अपनी सीमाएं पहचाने और फिर अपने आप को एक्सपैंड करे और फिर अपने आप को मुक्त कर ले, यह तंत्र सिस्टम था, ऐसा वहां चलता था। और बताए, ये मैंने बताया 10000 साल पुराना है जो हिस्टोरिकल एविडेंस 5000, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रेफरेंसेस, तो जो आज की डेट में जो सबसे पुराना टेक्स्ट जो उपलब्ध है वो वेद कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में भी योग शब्द की, योग की व्याख्या या चर्चा की गई है। तो जो आज की डेट में जो भी ग्रंथ हैं, उपनिषद, भगवद गीता, इन सब में भी योग की चर्चा की गई है। लेकिन योग का जो फॉर्मल कहते हैं, सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी आए, तो ऐसा नहीं कि महर्षि पतंजलि जी के आने से ही योग शुरू हुआ, उसके हजारों हजार साल पहले से ही योग चल रहा था, लेकिन महर्षि पतंजलि जी आए, उन्होंने लिखा उस बात को। महर्षि पतंजलि जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है, उन्होंने योग के ट्रेडिशंस को, योग की प्रैक्टिसेस को कोडिफाई किया। देखिए, हम शुरू से योग की हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, तो पहले हम बताए कि योग जो है जब मानव जीवन शुरू हुआ, फिर हम बताए तंत्र सिस्टम था, 10000 साल पहले भी योग था, फिर हमने हिस्टोरिकल एविडेंस बता दिए, फिर हमने तंत्र में क्या होता है वो बताया, फिर अगला यानी पतंजलि जी आए, तो इन्होंने कोडिफाई किया, लिखा 195 लाइन्स पतंजलि जी ने लिखी और पूरा योग उसी में आ गया। और पतंजलि जी के वास्तव में आने से ही योग की सिस्टमेटिक स्टडी शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने जब लिख दिया तो लोग फिर उसके बाद से सारे कहीं रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, बहुत सारे टेक्स्ट उपलब्ध हैं, वो सब कुछ है। तो फिर लास्ट वाला जो पॉइंट है, पहले मैंने बोल दिया कि योग जो है पूरे दुनिया के हर कोने में किसी न किसी रूप में हमेशा ही उपलब्ध रहा है, लेकिन योग ने हाईएस्ट जो अचीव किया है वह इंडिया में ही किया है। अब अगला पॉइंट है कि क्या कहते हैं, ये एक चीज यहां मिसिंग है, मैं लिख लेता हूं। दो पौराणिक कहानी, माइथोलॉजीज कह सकते हैं, यह हमें जानना जरूरी है। यह आपसे कोई पूछ भी सकता है योग को लेके क्या पौराणिक कहानी है, तो पहली चीज कहा जाता है, दो हैं, दोनों में बताएगा, एक भगवान शंकर थे, भगवान शंकर जी जो इम्बॉडीमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी थे,
सुपर कॉन्शियस को रिप्रेजेंट करने के लिए, सुप्रीम कॉन्शियस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सत्ता है उसका नाम शिव है, और सुपर नॉलेज जो सुप्रीम नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करने जो सत्ता है उसका नाम है पार्वती। तो शिव और पार्वती दो लोग हैं, एक कॉन्शसनेस के मास्टर हैं, एक नॉलेज के मास्टर, नॉलेज विल और एक्शन तीनों चीज के हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉलेज विल और एक्शन तीनों के मास्टर है। और भगवान शिव ने कहा जाता है सबसे पहले योग अभ्यास की चर्चा माता पार्वती से की, और माता पार्वती चूंकि संसार की माता है, जगत माता है, तो आउट ऑफ लव और कंपेशन उन्होंने मानव समाज के अंदर योग का अभ्यास कराया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तंत्र मंत्र लोगों को सिखाए। तो कहा जाता है कि भगवान शिव से पहला जो माइथोलॉजी है, योग की जो विद्या है, सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती को दिया, और फिर माता पार्वती ने तंत्र के सिस्टम में, तंत्र के तरीके से इस पूरी मानव सभ्यता को योग सिखाया। ये पहला है। दूसरी जो माइथोलॉजी है कि एक आदि योगी कोई थे, आदि योगी वास्तव में भगवान शिव को कहा जाता है, तो हिमालय में एक कांति सरोवर लेक थी, वहां पे आदि योगी जी ने योग का जो ज्ञान है सप्त ऋषियों को दिया, सात जो है ऋषि थे उनको दिया, और फिर वही सात ऋषि पूरी दुनिया में फैल गए और उन्होंने योग को प्रचारित किया। उसमें जो भारत में या भारतीय महाद्वीप में कौन आए थे, वह ऋषि थे अगस्त मुनि, आप लोग नाम जानते हैं। तो ये दो माइथोलॉजीज हैं योग के बारे में, यह आपको जानना चाहिए। शिव और शिव ने पार्वती को दिया, पार्वती जी ने पूरी दुनिया में फैलाया, फिर दूसरा है आदि योगी जी ने कांति सरोवर पे सप्तऋषियों को दिया। अब हम और आगे चलते हैं। तो ये हमने हिस्ट्री पे अब आगे, अब जो है पीरियाडिक क्लासिफिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंट्रोवर्सियल, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से क्या कहते हैं योग को क्लासिफाई करके बैठे हुए। तो क्लासिफिकेशन का मतलब वो स्टडी काउंट कैसे करता है। तो योग के जो पुस्तकें हैं, जो शास्त्र हैं, उसमें जब मैंने भी अभ्यास किया तो मैं देखा तीन तरह के क्लासिफिकेशन जगह जगह बताए गए हैं, ए बी सी यहाँ लिखा हुआ है। तो लेकिन जो सी वाला है ये ज्यादा फेमस है, तो मैंने सी का डिटेल लिखा है, बाकी को ऐसे ही सिर्फ एज लिख दिया। तो पहला है जैसे मैंने बताया पतंजलि जी के आने से ही योग जो है सिस्टमेटिक स्टडी शुरू हुई। तो जो शुरू के दो क्लासिफिकेशन है पतंजलि जी पे बेस्ड हैं, कि प्री पतंजलि, पतंजलि पीरियड, फिर पोस्ट पतंजलि और मॉडर्न। तो पहले जो क्लासिफिकेशन है 500 ईयर बिफोर क्रिश्चियन एरा, BCE जो लिखा है बिफोर, या BC जिसको बोलते हैं 500 BC। तो पतंजलि जी कहा जाता है कि जब पतंजलि जी के आने के पहले का पीरियड है वो 500 BC के पहले का जो पीरियड प्री पतंजलि बोला गया, पतंजलि जी का जो पीरियड है 500 BC टू 400 BC या BCE जो आप लिखा हुआ है, पोस्ट पतंजलि क्योंकि जब पतंजलि जी का जीवन काल, फिर पतंजलि जी के जाने के बाद 400 BC से 800 BC या पोस्ट पतंजलि पीरियड है, मॉडर्न पीरियड कहा जाता है 800 क्रिश्चियन एरा, सॉरी जो पोस्ट पतंजलि जी है 400 BC टू 800 AD, ये क्रिश्चियन एरा जिसको आप AD कहते हैं, और फिर 800 AD के बाद से अभी तक का मॉडर्न, ये पहला क्लासिफिकेशन है। मुझे जो लगता है कि हाँ हो सकता है इंडिया में क्लासिफाई किया गया, तो मॉडर्न जो मॉडर्न पीरियड है वो लगता है इस्लाम से लिंक है, इस्लामिक इन्वेजन इसी समय इंडिया में हुए थे, जो उधर से जो मुस्लिम अटैक जो कहे आए। अच्छा, फिर अगला जो पॉइंट है
बी क्लासिफिकेशन, ये भी वही है, प्री पतंजलि, पतंजलि, पोस्ट पतंजलि, मॉडर्न। इसमें टाइम अलग अलग कर दिया है कि 500 बीसी के पहले तो पतंजलि पीरियड, सॉरी प्री पतंजलि, अब 500 से 800 के पीरियड को बोल दिया गया ये पतंजलि पीरियड है, और 800 के बाद 800 से लेके 1800 एडी तक यह पोस्ट पतंजलि, और मॉडर्न जो है 19th सेंचुरी के बाद, 19th सेंचुरी के बाद जो हुआ ये मॉडर्न है। और लास्ट वाला सी पे आते हैं, सी वाला थर्ड क्लासिफिकेशन है, यही बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल में लिखा हुआ। तो सबसे पहला पीरियड जो है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड मतलब वह पीरियड जब जो है हमारा समाज या मानव सभ्यता वेद के नॉलेज से भरी हुई थी। वेद मतलब ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट ऑफ योग है, और चार तरह के वेद जो है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ये आप सब लोग जानते हैं। ऋग्वेद जो था जिसमें ईश्वर की महिमा का बखान किया गया है, वो ब्राह्मण जो ब्रह्म है उसके बारे में व्याख्या की गई और उनके प्रेज गाए गए, तो ऋग्वेद। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या था कि कैसे सैक्रिफाइसेस की जाएं, बलिदान कैसे करें, यह समझिए यह यजुर्वेद में था। सामवेद में जनरली चैंटिंग, कोई मंत्र कैसे चैंट करें, या म्यूजिक सिस्टम, इंडियन म्यूजिक सिस्टम वास्तव में सामवेद में। अथर्वेद में जो है मेडिकल साइंस है, मेडिसिन के बारे में बात की जाती है, तो कोर्स फॉर डेली लाइफ। तो ये जो शुरू का पीरियड था, मतलब जब हमारा समाज वेद के ज्ञान से भरा हुआ था, जिसमें मैं आगे बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा कि कर्म कांड, उपासना कांड सब कुछ था यहाँ पे, तो ये जो पीरियड था वो वेद का पीरियड है, इसको वैदिक पीरियड कहते हैं। फिर जैसे जैसे विकास शुरू हुआ, फिर आया उपनिषद का पीरियड। उपनिषद वाले पीरियड को हम प्री क्लासिकल पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो उपनिषद वाले पीरियड में क्या हुआ कि ये, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उपनिषद क्या है, वेद के आखिरी पात को वेदांत कहा गया, या जो वेदों का जो फिलोसफिकल पार्ट है। वैदिक पीरियड में फिलोसफिकल पार्ट उतना फेमस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ पाए कि इतना वेद में असली तो जो उपनिषद है यही अज्ञान कांड, जो आखिरी शिक्षाएं हैं वो उपनिषद में दी गई हैं। तो यह जब जब लोग यह समझ पाए, उसी पीरियड को बोला गया प्री क्लासिकल पीरियड। उस दौरान जो क्लाइमेक्स था उपनिषद के ज्ञान को लोग समझे, यहाँ पे जीव जगत परमात्मा ये सब बातें आने लगी। यहाँ जैसे वैदिक पीरियड में जो लोग सैक्रिफाइस करते थे, बलिदान करते थे, यहाँ पे बलिदान क्या हो गया कि मैं अपने ईगो का बलिदान करूंगा, मैं अपने क्रोध का बलिदान करूंगा, यह सूक्ष्म क्या। तो वैदिक पीरियड प्री क्लासिकल। अब क्लासिकल पीरियड जो है, जो मैं मुख्य पार्ट देखिए, तीनों जितने भी डिविजन है सब में जो पतंजलि जी का पीरियड है वही मुख्य पार्ट है, क्योंकि पतंजलि जी जाए उन्होंने वास्तव में ब्रेक थ्रू किया। महर्षि पतंजलि जी ने कोडिफाई किया, उसके पहले चीजें गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ रही थी। तो महर्षि पतंजलि जी के पीरियड को अब जो यहाँ इस क्लासिफिकेशन में थर्ड से लेके फिफ्थ सेंचुरी बीसी को पतंजलि पीरियड बोला गया। इन्होंने योग सूत्र लिखे, योग सूत्र में अष्टांग योग की चर्चा की, तो ये पीरियड को क्लासिकल। फिर क्लासिकल को आता है पोस्ट क्लासिकल, क्योंकि जो पतंजलि जी का पीरियड था वहां पे तो योग को, योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति निरोध की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं पतंजलि जी के जो सिस्टम में योग की बात हो रही थी। उसके बाद जब आया अगला पोस्ट क्लासिकल, पोस्ट क्लासिकल में आ जाते हैं, यहाँ पे लोग सोचे कि देखो मुझे मुक्ति नहीं होना है, बस मैं स्वस्थ रहूं, बस मैं स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, वो पीरियड है पोस्ट क्लासिकल पीरियड। जो स्वस्थ रहना फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, वेलबींग, सोशल वेलबींग, इकोनॉमिक वेलबींग, जो भी आप हर तरह का वेलबींग, यह जो वेलबींग आता है यह योग का सेकेंडरी एस्पेक्ट है। ये मैंने बताया कि ये प्राइमरी एस्पेक्ट तो कैवल्यम है,
लेकिन यह जो पोस्ट क्लासिकल पीरियड में योग जो है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की वजह से योग फेमस हुआ ज्यादा। तो उस समय के जो जितने भी पोस्ट क्लासिकल पीरियड में योगी थे, यह लोग शारीरिक महत्व का ध्यान दें, लोग फिट रहे, बस इतना। तो इसी में हठ योग का सिस्टम आया। जो हठ योग आया यहीं पर आया। जो अब हठ योग क्या है मैं उसकी चर्चा आगे करूँ, लेकिन आप ये जाने कि पहला वैदिक पीरियड जब से वेद कर्मकांड वगैरह, फिर उपनिषद आ गया जिसमें ज्ञान की बातें लोग करने लगे, फिर तीसरा पतंजलि जी आए, उन्होंने लिख दिया पुस्तक, फिर चौथा आए जब शरीर को, शास्त्र तो यहाँ भी खूब लिखे गए पोस्ट क्लासिकल पीरियड में, लेकिन सारा चीज शरीर को फोकस करके, शरीर को बीमारियों को ठीक करके कैसे फिट रहें, इस पे सारा फोकस रहा। फिर पोस्ट क्लासिकल पीरियड के बाद मॉडर्न पीरियड आता है जो अभी का है, जिस पीरियड में हम सभी लोग हैं। मॉडर्न पीरियड इसमें कहाँ से कहा गया मॉडर्न पीरियड, मतलब जब विदेश में भी योग की चर्चाएं शुरू हो गई। जैसा मैंने बताया योग तो पूरी दुनिया पहले से था, लेकिन पीक इंडिया में आया। और यह जो पीक इंडिया का जो नॉलेज है जब ये बाहर जाने लगा, तो इसके लिए मॉडर्न पीरियड स्वामी विवेकानंद जी के आने से कहा जाता है कि मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारे योगी हुए। तो ये जो नाम है ये मैं नाम पढ़ देता हूँ, क्योंकि योग की पुस्तकों में इनके नाम है तो आपको यह नाम याद होने चाहिए। कभी कोई आपसे पूछ ले कि बताइए टी कृष्णमाचारी जी, उन्होंने कौन सा योग चलाया, इन्होंने अष्टांग योग चलाया था। शिवानंद जी हैं, स्वामी शिवानंद, इन्होंने शिवानंद योग चलाया, यूएस में बहुत फेमस है ये। बी के एस अयंगर योगा, कोई आपसे इनका नाम पूछ ले। श्री योगेंद्र जी द योग इंस्टीट्यूट है। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग, स्वामी रामदेव पतंजलि योगपीठ, डॉक्टर एचआर नगेंद्र, यस वास्या, जग्गी वासुदेव जी, ईसा फाउंडेशन, ये मॉडर्न पीरियड के लोग कहे जाते हैं कि हाँ ठीक है। और ये जो नाम है जितने मैंने नाम लिए हैं, और भी आप नाम जोड़ सकते हैं, ये सारे नाम जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है जो मॉडर्न योग प्रमोट कर रहे हैं ऐसा, तो इसलिए मैं ये सारे नाम दे रहा हूँ। आप इसमें और नाम जोड़ सकते हो, सकता है इसमें कोई आपको पसंद ना हो, वो आपकी अपनी इच्छा पर, लेकिन जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ये सारे नाम हैं इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। तो इस तरह मैंने देखिए योग के हिस्ट्री भी बताया आपको, योग के पीरियड्स भी बताए। तो मुझे लग रहा है मैं ये पूरा आपको बता पाया, आप अच्छे से लिख रहे होंगे, जो भी नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे, लिखेंगे। हिस्ट्री आप योग मैंने बताया कैसे कैसे योग आया, पूरा आप समझ गए कैसे क्लासिफाई किया गया, क्या माइथोलॉजी है ये बता। अब अगला जो टॉपिक आता है डिफरेंट टेक्स्ट, यह चीज थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यह इसमें कुछ सूत्र वगैरह ये आपको याद करें योग के, जैसे मैंने ऊपर बताया कि योग जो है वेद उपनिषद हर जगह लिखा हुआ, कुछ अलग अलग तरीके से आपको मिल ही जाएगा। तो डिफरेंट टेक्स्ट में योग क्या है यह मैं इसकी चर्चा करने चल रहा हूं। तो सबसे पहले एक बहुत शब्द फेमस है योग उपनिषद। कोई आपसे पूछे योग उपनिषद क्या है, तो वो सारे उपनिषद, जैसे आगे मैं आपसे कभी चर्चा करूंगा कि उपनिषद कितने हैं, कौन कौन से, 108 तरह के उपनिषद हैं जिसमें से 10 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। तो ये उपनिषद में, उपनिषद का स्पेलिंग देखिए, उपनिषद स्पेलिंग सर में लिखा हुआ है, मैंने सही कर दिया, ठीक है। तो जो कौन, वो सारे उपनिषद जिसमें योग की चर्चा की गई है उन्हीं सब को एक साथ मिला के योग उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, या कभी आपसे कोई पूछे तो याद रखिए योग उपनिषद कौन कौन से हैं, और भी होंगे, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, लेकिन यह जो हाईलाइट है सांडिल्य, हंस, योग तत्व, योग कुंडल, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु, अमृत नाद, वराह एंड कट उपनिषद जो आप लोग जानते हैं बेसिकली है। यह सारे उपनिषद हैं जहाँ पे
योग की स्पेसिफिक चर्चा की गई है. दीज उपनिषद्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड योग उपनिषद. तो ऐसे उपनिषद जहां योग की चर्चा की गई. नाम एक बार फिर से आप देख लें, सांडिल्य उपनिषद, हंस उपनिषद, योग तत्व, योग कुंडल, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु, अमृत क्या अमृत नाद, व्रत एंड वराह, वराह सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, वराह एंड कट. ये सारे उपनिषद को मिला के योग उपनिषद बोला गया है. नाम आप लोग लिख लिए होंगे ऐसा मैं मानता हूं. फिर जो है और डिफरेंट टेक्स्ट में क्या क्या है, तो ये सारे उपनिषद पतंजलि योग दर्शन, कभी अब मैं आप लोगों से कभी चर्चा करूंगा आगे. पतंजलि योग दर्शन में तो पूरा योग ही बोला गया है, लेकिन जो उसका दूसरा सूत्र है, योग चित्र वृत्ति निरोध तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिशारुप्यमिति रत्रः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्ट अक्लिष्टा. ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, तो मैं 1.2 और 1.3 ही यहाँ लिखा हूँ. वो चैप्टर 1 का सूत्र नंबर 2, पहला है अर्थ योग अनुशासन, ठीक है. तो चैप्टर 2 का 1 का जो सूत्र नंबर 2, योग चित्त वृत्ति निरोध. जब मन में चलने वाली चित्त वृत्तियां शांत हो जाएं, सारे दिमाग के विचार शून्य हो जाए, उस समय जब आप अपने आप को देखते हैं, जो आपका असली रूप होगा जिसको डिवाइन कहते हैं, आप अपना असली रूप देख सकते हैं. सिर्फ दिमाग में कोई विचार न चले, कोई डिसीजन न हो, कोई परसेप्शन न हो, जब तक आप डिसीजन ले रहे हैं चीजों को अपने नजरिए से देख रहे हैं, तब तब आप असली चीज नहीं देख रहे हैं. तो जब आप चित्त वृत्त का निरोध, जब विचार बंद हो जाते हैं, तो उस समय जब आप अपने को देखते हैं, तब आप अपनी अवस्था को मौलिक अवस्था, जो मूल अवस्था, जो दैवीय अवस्था है, प्राप्त कर लेते हैं. इसीलिए लिखा है तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्. जब योग में मतलब चित्त वृत्ति का निरोध होता है, उस समय की अवस्था में तदा दृष्टु, वह अवस्था देखने के बाद आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं. यही ये पतंजलि योग दर्शन, ठीक है. तो अभी का जो टॉपिक है योग इन डिफरेंट टेक्स्ट, वो चल रहा है अलग अलग शास्त्रों में योग के बारे में क्या कहा गया. तो पतंजलि योग दर्शन हो गया. अब अगला है भगवद गीता. भगवत गीता में योग की चर्चा कहां कहां की गई है, उसकी मैं व्याख्या करने चाहूं. ठीक है, भगवत गीता में आ जाते हैं. तो ऐसे मैं यहाँ 3-4 सूत्र बोल रहा हूँ, ऐसा ये नहीं कि यही 3-4 सूत्र हैं, ऐसा बिल्कुल भी न सोचें कि यही 3-4 सूत्र हैं, और भी सूत्र हैं, लेकिन ये 3-4 सूत्र जो मुझे समझ में आते हैं वो मैंने यहाँ लिखा, या जहाँ जो मैंने और कहीं देखा कि हाँ शास्त्रों में किसी किताबों में इन्हीं सब सूत्रों की चर्चा की. तो ये जो 3-4 सूत्र मैं बताने चला हूँ, ये आपको एकदम याद होने चाहिए, कंठस्थ में कोई आपसे पूछे तो आप इसको बता पाए. तो यहाँ पे मैं पतंजलि योग दर्शन, भगवद गीता और कठ उपनिषद, तीन मैं यहाँ व्याख्या कर, तीनों में क्या क्या लिखा हुआ है, ये तीनों की चीजें आप याद कर लें. जितना जल्दी इसको याद किए रहेंगे उतना ही आप अच्छे से समझ पाएंगे. तो ये पहला सूत्र जो है 2.47, यह मैं बता रहा हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संग अस्तु अकर्मणि.
यह जो है कर्मयोग को परिभाषित कर रहा कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दे रहे हैं कि हे अर्जुन, निष्काम भाव से अपने कर्म करो, फल की चिंता न करो। यहाँ देखिए नीचे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, यू हैव ए राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। जो आपकी ड्यूटी है वो करना आपका अधिकार है, बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। लेकिन आपको क्या फल आएगा उस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, उस पे अपने कर्मों के हिसाब से, मेरी इच्छा, मेरी मतलब ईश्वर की इच्छा के हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा। तो ईश्वर आपको वही फल देते हैं जो आपके लिए बेस्ट होता है। यह जान ले, ये नहीं कि जो है आपने आईएएस का एग्जाम दिया और फेल हो गए तो ईश्वर आपके लिए बुरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको कुछ और काम करना है तो ईश्वर आपको क्यों आईएएस क्वालिफाई कराएंगे। आपका हर व्यक्ति का, हर घटना का एक विशेष उद्देश्य होता है। तो अगर आपका उद्देश्य कुछ और है, आप दूसरी तरफ भटक रहे हैं, ईश्वर आपके लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा आपके कर्मों का फल मिलेगा कि आप सही दिशा में ही चले जाएंगे। तो अगला पॉइंट जो अगला है, ये जो इस कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अगली लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संग अस्ति कर्मणि, नेवर कंसीडर योर सेल्फ टू द कॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज। जो आपका कर्म करने से जो फल आया है उसको आप, अच्छा आया है चाहे बुरा, तो अपने आप को जिम्मेदार मत मानो कि आप ही ने ऐसा किया। अगर आपका अच्छा परिणाम आता है तब तो आप बहुत वाह वाह करते हैं, अब बुरा परिणाम आ जाए तब आप दूसरे को दोष देने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो गया। तो यहाँ भगवद गीता का है, या अच्छा परिणाम आए या बुरा, आप अपने आप को दोष न दो, क्योंकि अगर आपने अपने आप को दोष दिया तो फिर आप योग के ट्रेडिशन में कहाँ है, बहुत नीचे चले जाएंगे। और फिर अगला लाइन है, नॉर बी अटैच टू इन एक्शन। अब ज्यादातर लोग यही होंगे कि अरे जब मुझे कुछ फल ही नहीं, चिंता करना, तो मैं काम ही क्यों करूं, क्यों मैं निष्काम भाव से काम करूं। तो यही अगले लाइन में बोल दिया गया, नॉर बी अटैच टू इन एक्शन। आपको निस्वार्थ भाव से काम करना है तो आपको इनएक्टिव होके नहीं बैठ जाएंगे, आप सोचेंगे मेरा तो कोई फायदा ही नहीं। तो यह सूत्र सभी लोग याद कर लें, बहुत ही फेमस सूत्र है 2.47। कोई आपसे पूछे भगवत गीता में योग कहाँ है, एग्जाम में आ सकता है, आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है कि लिख के दिखाइए ये सूत्र। तो आप लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, इसका इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या है यह आपको आना चाहिए। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संग अस्तु अकर्मणि। यू हैव राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी, यू हैव नो राइट टू क्लेम द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। देन मा कर्म फल, नेवर कंसीडर योर सेल्फ कॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, एंड डू नॉट गेट अटैच टू इन एक्शन। फिर अगला जो सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र आपको याद करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं, याद कर लेना है। अगला सूत्र है यह, टू अगला ही सूत्र 47 के बाद 48, चैप्टर 2, पहला था 47, 48 बड़ा अच्छा है एकदम। योगस्थ कुरु कर्माणी संग तत्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। यह जो शब्द है समत्वम योग उच्चते, यह योग को परिभाषित कर रहा है, समत्वम योग उच्चते। तो इसका मीनिंग क्या है, आगे इंग्लिश में लिखा हुआ, योग को डिफाइन किया गया है कि बी स्टीड फास्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटी। योगस्थ कुरु कर्माणी, अपने जो भी असाइंड जॉब है, ड्यूटी, अपने कर्म को करो। संग तत्वा धनंजय, उसमें जो सफलता आएगी या फेल पास होगा उसकी चिंता ही न करो। संग तत्वा धनंजय मतलब कर्म फल की चिंता न करो। धनंजय मतलब अर्जुन, अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि,
अपने कर्म पे ध्यान दो और उसके फल की चिंता न करो। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, चाहे वह कर्म सिद्ध हो जाए और चाहे असिद्ध रह जाए, चाहे सिद्ध न हो, यानी वो फल मिले चाहे न मिले, दोनों ही भाव में इक्वानिमिटी मेंटेन करो। समो भूत्वा मतलब आप बहुत जो है जैसे खुशी सफल हो गए तो बहुत ज्यादा खुशी न हो और जब असफल हो गए तो बहुत ज्यादा दुखी न हो, समान भाव बनाए रखें, इसी को योग कहते हैं। सच इक्वानिमिटी इज कॉल्ड योग। चैप्टर 2 श्लोक नंबर 48 यह आपको याद रहना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणी संग तत्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि शमो भूत्वा शमत्वम योग चते, यह भगवद गीता में चैप्टर। अब आता है श्लोक नंबर 50 उसी चैप्टर का, चैप्टर 47 चैप्टर मतलब चैप्टर 2 47 नंबर 48 नंबर और 50 नंबर, यह भी आपको याद होना चाहिए। बुद्ध युक्तो जहाती यह उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम, यह बहुत जगह आपने देखा होगा योग कर्मसु कौशलम, यह बहुत जगह लिखा होगा। योग कहा जाता है आर्ट ऑफ वर्किंग, काम कैसे किया जाए, यह अपने आपको अपने कर्म में माहिर बनाता है योग। तमाम लोग जो योग नहीं समझते कहते हैं योग जो है लोगों को कामचोर बनाता है, काम नहीं करने देता, ऐसा नहीं है। योग कर्मसु कौशलम, योग अभ्यास करने से आप अपने कर्म को कैसे बेहतर तरह से प्रॉपर कॉन्शसनेस के साथ स्किलफुली करेंगे, योग यह सिखाता है। योग आपको कर्मों से दूर नहीं ले जाता है बल्कि कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो यह सूत्र भी आपको याद रखना है, बुद्ध युग तो जहाती है जहाती है उभे दुष्कृत दुष्कृते तस्मात योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम, यह याद रखना। तो इसका मीनिंग मैंने बता दिया हिंदी में भी, सॉरी इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में बता दिया। आप जो है वन हु प्रूडेंटली प्रैक्टिस द साइंस ऑफ वर्क विदाउट अटैचमेंट, यही देखिए जो अपने कर्म को ध्यान पूर्वक करता है किसी फल की चिंता किए बिना, अच्छा बुरा जैसा भी फल आए हम स्वीकार करेंगे, बस अपने कर्म पे करो, ऐसा जो व्यक्ति होता है वही योग में स्थिर होता है। स्ट्राइव फॉर योग यानी आर्ट ऑफ वर्किंग। तो मुझे लग रहा है मैं इसको बता पाए। अगला जो सूत्र है भगवत गीता का ये चैप्टर 18 में है और श्लोक नंबर 66 है। आप यह जो मैं इसका सूत्र पढ़ूंगा और आप पूरा इस्लाम धर्म यहां से निकाल सकते हैं, इस्लाम का यही मतलब है। देखिए, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणं वज्र अहम त्वया सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये कहा जा रहा है भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो भी धर्म का पालन करते सब छोड़ दो, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मेरे लिए सरेंडर कर दो मेरे आगे और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके मुक्त कर दूंगा और तुम डरो नहीं। यही इस्लाम में क्या बोला जाता है सरेंडर टू विश ऑफ अल्लाह। इस्लाम शब्द का मतलब है ये जो अल्लाह की मर्जी के आगे झुक जाए। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरी मर्जी के आगे झुक जाओ, तुम छोड़ दो अपने और धर्म को, तो मम्मी हो पापा हो भाई बहन छत्री हो जो भी है सब छोड़ो, मेरे आगे सरेंडर कर दो। तो यही बात यहाँ वो अहम तत्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि मेरे सामने अपना अहंकार छोड़ के पूरी तरह सरेंडर हो जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और डरो नहीं निडर कर दूंगा। तो मुझे लग रहा है मैं ये 4 सूत्र, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधयस्य योग भवति दुखा, ये भी एक सूत्र आप ले सकते हैं।
और आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीत विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया, वह भी एक यु सूत्र हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय शम्भवामि युगे युगे। यह सभी योग की ही बातें हैं। तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन ये तीन चार जो यहाँ लिखे वो आप याद रखें। कर्म ये बहुत ही फेमस है, कोई आपसे पूछ सकता है कि 2.47 क्या है। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, योगस्थ गुरु कर्माणी संग तत्वा धनंजय। फिर बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात योगाय योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम, यह भी आप याद करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तत्वा सर्व पापेभ्य मोक्षे यिष्यामि मा शुचः। और भी आप जो याद हो, आप बहुत सारा याद होगा, आपको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उन सबको भी आप लिख सकते हैं। इवन हर श्लोक अपने आप में योग ही तो है, ठीक है। ध्यायतो विषया पुंसः संगते उपजायते संगात संजयते काम कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रंसात बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। ऐसे बहुत सारे सूत्र आप याद कर सकते हैं। बता तो ये चार सूत्र है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो जो एग्जाम के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनके टेक्स्ट में जो टेक्स्ट बुक्स हैं ऑफिशियल, उसमें ये सूत्र लिखे हुए, इसलिए मैं आपको यहाँ वो बता रहा हूँ। एग्जैक्टली बहुत सारे सूत्र हैं, सब लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे बताइए 2.48 क्या है, क्योंकि ये गवर्नमेंट रिकमेंडेड बुक्स में ये बातें लिखी हुई। अब आता है कठ उपनिषद। कठ उपनिषद में देखिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, योग इन डिफरेंट टेक्स्ट। डिफरेंट टेक्स्ट में योग क्या है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो कठ उपनिषद में क्या बोला गया है, देखिए कठ उपनिषद, कठ उपनिषद तो ठीक है, यहाँ पे कठ उपनिषद UTA, ठीक है। अब हम तीन चार सूत्र हैं, ऐसा नहीं कि यही तीन चार हैं, अब बहुत सारे हैं कठ उपनिषद की, तो कभी डिटेल हम चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कठ उपनिषद पूरा योग से भरा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी को कठ उपनिषद बहुत पसंद था। आज भी जब स्वामी जी का जो उनके बर्थडे के दिन डेथ के दिन बेलूर मठ में उस कमरे में कठ उपनिषद का चैंटिंग होता है, तो बहुत ही फेमस उपनिषद है ये, हमेशा नाम याद रखें। इसी कठ उपनिषद में नचिकेता जी के बारे में बताया गया, 8 साल का छोटा सा बच्चा कैसे योग अभ्यास की बात करता है। तो जो कठ उपनिषद की पुस्तक है, कठ जैसे हम लोग नॉर्मल पुस्तक पढ़ते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, कठ उपनिषद में चैप्टर्स को वल्ली के नाम से बोला गया है। जो चैप्टर 2 यानी सेकेंड वल्ली का 12वां सूत्र यहाँ तीन चार, ठीक है, 12वां सूत्र है, फर्स्ट चैप्टर का चौथी वल्ली का पहला, और इधर 6वीं वल्ली का 11वां मंत्र। यह तीन जो सूत्र हैं यह वास्तव में योग की चर्चा करते हैं। और भी हैं जैसे, और इसमें नहीं लिखा है, अब एक सूत्र है मुझे जो याद आ रहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नयम भूत्वा, देखिए मैं भूल रहा हूँ शायद, नयम भूत्वा लास्ट वाला लाइन भूल रहा हूँ, 4 लाइन का है, तो बड़ा ही अच्छा, न सूर्यम न चंद्र तारकम, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, पूरा पतंजलि सॉरी कठ उपनिषद योग से भरा हुआ है। ये सब मैं आगे चर्चाएं कभी आपसे करूंगा। तो यहाँ चूंकि जो सिलेबस में मेंशनड है कि कठ उपनिषद में योग कहाँ कहाँ है बताइए, तो यहाँ 2-3 सूत्र हैं, यह याद रखें कि 12वें मंत्र का मतलब जो सेकंड वल्ली सेकंड चैप्टर का 12वां मंत्र, यह क्या कहता है कि जो आत्मा को जानता है वो हर तरह से हर्ष और विषाद दोनों से मुक्त रहता है। ही बिकेम लिबरेटेड सोल, वह मुक्त आत्मा हो जाता है। तो इसलिए आत्म तत्व को हमें जानना है, इस ब्रह्म विद्या को हमें समझना है,
ठीक है, अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वाधीरो हर्ष शोको जहाति। तो ये मैं डिटेल में इन सब सूत्र आगे आएंगे और भी आएंगे, आप चिंता न करें। फिर सेकंड जो है फर्स्ट मंत्रा फोर्थ वल्ली, तो ये चीजें कम से कम हाईलाइट किए हैं कि कहाँ कहाँ मेंशनड है। पहला बारहवा मंत्र ऑफ दूसरा चैप्टर, फिर फर्स्ट मंत्र ऑफ फोर्थ वल्ली। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें वो है परान चिखाने व्यत्रिने स्वयं, बहुत ही फेमस लाइन है। इसका यह मतलब है कि जो ईश्वर ने हमारे शरीर में इंद्रियां बनाई हैं, इंद्रियां हमें बाहर देखने वाली हैं। ज्यादातर लोग इन आंख नाक कान मुंह से बाहर ही इंटरेक्ट करते रहते हैं। इसमें बोला गया है कश्चित धीरा, कोई एक वीर व्यक्ति ही इन इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़कर अपने मौलिक स्वरूप को देखता है। जिस दिन आपकी पांचों इंद्रियां अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी, चित्त वृत्त निरोध हो जाएगा और आप अपने मौलिक स्वरूप को देख पाएंगे। इसी बात को पतंजलि योग दर्शन में योगस चित्त वृत्त निरोध बोला गया। तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेना, यह कठोपनिषद में। फिर अगला आता है छठवां, 11 मंत्र ऑफ सिक्स्थ वल्ली, छठवें चैप्टर में। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अपने इंद्रियों को जो कंट्रोल कर ले, इसको अप्रमत्ता बोलते हैं। और जो जिसकी इंद्रियां जिसके कंट्रोल में है, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त है। तो यह तीन जगह, तो देखिए मैंने पतंजलि योग दर्शन में योग के बारे में बता दिया, भगवत गीता के बारे में बता दिया और कठोपनिषद, यह तीन जगहों पे योग के बारे में क्या लिखा गया है। ये जो सूत्र है यह आपको याद होने चाहिए, भगवत गीता के जो मैंने सूत्र बताए। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप इतने ही याद करें, लेकिन मैं जो इतना भगवत गीता सूत्र बता रहा हूँ, वो स्टैंडर्ड जगहों पे मेंशन है इन चीजों के बारे में, इसलिए कोई आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप याद रखिए। तो पतंजलि योग दर्शन, भगवत गीता और फिर कठोपनिषद। ठीक है, अब यहां से अगला जो शुरू होता है इंट्रोडक्शन ऑफ हठ योग क्या है, हठ योग के बेनिफिट्स क्या हैं, वो हम अगली क्लास में लेते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जो मैं थोड़ा सा हठ योग हम ले सकते हैं, फीचर्स ऑफ हठ योग। हठ योग जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो योग है, योग का जो मुख्य उद्देश्य था कि कैवल्य देना। इंट्रोडक्शन में हठ योग का कर देता हूँ, फिर अगली क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। जो योग का मतलब है कैवल्य देना, आपको कैवल्य की उपलब्धि करा देना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव योग का क्या था, उस प्रक्रिया में कैवल्य करने के लिए जब आप अपने शरीर मन या इन जो हारमोनी स्टेब्लिश करते हैं बिटवीन बॉडी माइंड एंड सोल, जो हारमोनी स्टेब्लिश करने जो आप काम करते हैं शारीरिक स्तर पे, कोई योग करता है, कोई आसन मतलब कोई आसन कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई षट क्रिया कर रहा है, ये जितनी भी चीजें शारीरिक स्तर पर करते हैं, यह आपको आगे की यात्रा के लिए प्रिपेयर करता है। तो जो यही जो है योग का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जब आप ये सब क्रियाएं करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, बहुत सारे आपको शारीरिक मानसिक लाभ होते हैं। यह जो फिजिकल लेवल पे एक्टिविटी हम करते हैं, यही हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है और इसी को हठ योग कहते हैं। हठ योग का मतलब फिजिकल लेवल पे क्या प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं। और जब आप शरीर को हठ योग करके शरीर को बहुत फ्लेक्सिबल बना लेते हैं, निरोगी बना लेते हैं, तो आप आगे की यात्रा में ट्रेवल कर शुरू हो जाती है। तो जो हठ योग क्या है, तो हठ योग का सिंपल सा है फिजिकल लेवल पे जो एक्टिविटीज करें। तो मुझे लग रहा है मैं हठ योग बता पाया आपको, समझाने की कोशिश किया हूँ कि जो सेकेंडरी एस्पेक्ट ऑफ योग ट्रेडिशन है,
और हर योग में सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यही रहता है। जो फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यह है कि आपको मोक्ष प्रदान करना, लेकिन मोक्ष तक जाने के लिए आपको अपने शरीर को माइंड को उस स्तर पर तैयार करना पड़ेगा। तो जो तैयारी की प्रक्रिया है इसी को हठ योग बोलते हैं। इस चीज की चर्चा मैं आपसे अगली क्लास में करूंगा। तो आज मैंने जो आपके टॉपिक कंप्लीट किए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आज मैंने आपको इंटरनेशनल योग दिवस के बारे में बताया, YCB योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर योग शब्द क्या है, योग को परिभाषित किया, योग की परिभाषा करना आपको बताया, परिभाषा करने के बाद फिर आपको योग की इटिमोलॉजी, योग का शब्द विज्ञान आपको समझाया, शब्द विज्ञान के बाद योग को लेके मिसकंसेप्शंस क्या है समाज में, लोगों के बीच क्या मिसकंसेप्शन है बताए, फिर योग की हमने हिस्ट्री चर्चा की कि योग कहाँ कहाँ से आया है, फिर हमने योग का क्लासिफिकेशन समझा, कैसे योग डेवलप हुआ, कैसे क्लासिफाई किया, पीरियड्स में हमने जैसे प्री पतंजलि, पतंजलि पीरियड, पोस्ट पतंजलि, मॉडर्न, ये भी हमने समझा। हमने योग को और क्लेरिफाई किया कैसे कि वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड, प्री क्लासिकल, क्लासिकल, पोस्ट क्लासिकल, फिर मॉडर्न पीरियड, ऐसे योग को क्लासिफाई किया। फिर डिफरेंट टेक्स्ट में, भगवद गीता में, कठ उपनिषद में या पतंजलि योग दर्शन में इन शास्त्रों को क्या बोला गया है, हमने मतलब क्या कहाँ कहाँ योग के बारे में बोला गया है, इसकी हमने चर्चा की। फिर यहाँ से हमने हठ योग का थोड़ा सा स्टार्टिंग किया, हठ योग क्या है उसके बारे में अन्य बातें हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से मैं प्रेयर करके क्लास को एंड कर रहा हूँ। मैं यह मानता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बना लिया होगा, देख लिया होगा, लिख लिया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिस जो भी आपको समझ में आ जाए उसका नोट्स बनाए, जो न समझ में आए आप उसको लिखते जाएं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं लिखते जाएं, क्वेरीज का हम एक अलग सेशन करके उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ क्वेरीज इसलिए नहीं लेता हूँ डायरेक्ट कि जो फ्लो है वो गड़बड़ ना हो जाए, आपको एक फ्लो में सही चीजें देनी, इसलिए क्वेरीज के लिए अलग से आप क्वेरीज अपनी नोट कर लें, और इस क्लास में और आगे क्लास में क्वेरीज नोट करते जाएं लगातार। चलिए मैं यहां से प्रेयर करके क्लास को एंड कर लूं। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिने अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमः, जननीम शारदाम देवी राम कृष्ण जगत गुरु पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहु। नमः श्रीयति राजाय विवेकानंद शूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिणे। ओम शांति 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 ही हरि ही ओम तत्सत् श्री राम कृष्णाय परमहंस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं यहाँ से क्लास को एंड करता हूँ।